प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में शामिल होने ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 1 और 2 नवंबर को ग्लासगो में रहेंगे। इस दौरान वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात करेंगे। व्यावसायिक कामों के लिए प्रयोग किए जाने वाले LPG सिलेंडरों के दाम में 266.50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। अब जयपुर में 19 किलो के LPG सिलेंडरों के दाम 1748.50 से बढ़कर 2014.50 रुपये हो गए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण को गति देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर आज से हर घर दस्तक अभियान का आगाज करने जा रही है। मेडिकल टीम हर घर जाकर दस्तक देगी और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं ली या दूसरी खुराक लेने नहीं पहुंचे हैं, उनके पूर्ण टीकाकरण की जिम्मेदारी टीम की होगी। कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी सदस्यता अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में भी इस अभियान की शुरुआत जयपुर में प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में होगा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने कांग्रेस के सभी मंत्रियों विधायकों को भी बुलाया गया है। जयपुर में देर रात महेश नगर में महिला के गले से गोल्ड चैन तोड़कर बाइक सवार फरार हो गया है। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बता दें, कुछ दिन पहले ही दर्जनों जगह पर पुलिस ने छापेमारी की थी, जहां कई चैन स्नैचरों को पुलिस ने दबोचा था। भरतपुर में नाबालिग बच्चे से सामूहिक यौन दुराचार के मामले में राजस्थान बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष ने इस संबंध में भरतपुर जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर पूरे मामले में जानकारी ली और प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट की तलब की। प्रदेश में सर्दी का सितम शुरू होने लगा है। दिन प्रतिदिन सर्दी में तेजी देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। सबसे कम सीकर जिले में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल 41 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिसके बाद प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 117.8 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 108.39 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच शारजाह में मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने उतरेगी, वहीं श्रीलंका की टीम वापसी करने के लिए संघर्ष करेगी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 506.20 अंक बढ़कर 59,813.13 पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज 158.40 अंकों की बढ़त के साथ 17,830.5 के स्तर पर खुला।